अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे ऐसे तुत भाई फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल भरोसा प्यार तेरा के एपिसोड नंबर 23 के बारे में, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि लाइबा निदा को फोन करती है और उससे कहती है कि क्या हम मिल सकते हैं, जिस पर निदा लाइबा से कहती है तुम अच्छी तरह सोच लो, पहले उस दिन भी मैं और यासिर तुम्हारा वेट करते रह गए थे और तुम नहीं आई थी, जिस पर लाइबा कहती है आई एम रियली सॉरी, लेकिन आज मैं मिलना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना काम जल्द से जल्द कर लूँ। जिसके बाद आप देखेंगे कि लाइबा और निदा की मुलाकात होती है। लाइबा जब निदा से मुलाकात करके घर वापस आती है तो उसकी वालिदा उससे कहती है कि तुम्हारे बाबा का बार बार फोन आ रहा है, वो कह रहे हैं कि शहरोज के पेरेंट्स से बात कर लें और मंगनी की डेट ले लें, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें कैसे बताऊँ कि तुमने ये सब ड्रामा किया था। लेकिन दूसरी तरफ लाइबा को किसी बात की फिक्र नहीं और वो डिटाई से अपनी वालिदा से कहती है मॉम अभी कुछ बताने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा इंतज़ार कर लें, जिस पर वो गुस्से से कहती हैं किस बात का इंतज़ार लाइबा, तो जवाब में लाइबा ने झूठा हौसला और झूठी तसल्ली देते हुए कहती है आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी की शादी जल्द होगी। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देखेंगे कि लाइबा मिकाल के घर जाती है तो वो और मरियम कहीं बाहर डिनर के लिए जा रहे होते हैं। इन दोनों को जाता देख लाइबा कहती है कि मिकाल मुझे भी साथ ले चलो, लेकिन मिकाल लाइबा को साथ ले जाने से इनकार कर देता है। जिसके बाद आप देखेंगे कि लाइबा मिकाल के वालिदा से मिलती है और उन्हें ये सब बताते हुए कहती है पता नहीं मरियम ने उसे आंखों ही आंखों में क्या कहा कि उसने इनकार कर दिया और कहने लगा आज मेरा और मरियम का स्पेशल डिनर है तो मैं फिर कभी ले जाऊँगा। जिस पर मिकाल की वालिदा लाइबा से कहती है वैसे शादी के बाद लाइफ स्टाइल बदल जाता है, जिस पर लाइबा कहती है वो मरियम के सामने आपको भी नज़रअंदाज करने लगा है। लाइबा ऐसा इसलिए कहती है ताकि मिकाल की माँ के दिल में मिकाल के मतलब गलत फहमी और नफरत पैदा हो जाए। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि क्या लाइबा कभी सुधर पाएगी या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।